सो हे है हलचाल है आप सबके स्वागत है आपका अनुभव राजपूत ब्लॉग्स में तो आज हम जा रहे हैं कहीं भी नहीं बहुत अंधेरा हो और बाहर आज जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा मैंने पॉइंट्स नहीं सोच रखे मैं जैसी मतलब मन में कुछ भी आता रहेगा बोलता रहूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अभी तो रात हो रही है मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ देखो मैं कितने दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली बहुत सारा काम था मैं बिज़ी था यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और बहुत सारे काम छूटे हुए थे तो इस वजह से और कॉलेज का भी काफ़ी प्रेशर था तो आज मैंने स्टे था आज मैंने छुट्टी ली मैं थका हुआ था तो तो दिन भर आराम करा वीडियो बना रहा हूँ और अभी रात के कितने बज रहे हैं नौ बज रहे हैं यहाँ पे वहाँ पे साढ़े आठ के आसपास हो रहे होंगे और आज रात डाल दूँगा वीडियो वाली सुबह पहला पॉइंट है आ, लोगों का नेचर जैसे हमारे इंडिया में होता था कि लोग मतलब थोड़े गुस्से में रहते थे काफ़ी टाइम अच्छे होते थे काफ़ी टाइम बुरे होते थे पर यहाँ कैनेडा में ऐसा है कि मतलब मैक्सिमम लोग आपसे हंस के बात करेंगे प्यार से बात करेंगे अब उनके दिल में क्या चल रहा है तो हम नहीं बोल सकते गुस्सा भी हो सकता है पर जैसे इंडिया में किसी को गुस्सा आता था तो चेहरे पे दिखता था पर यहाँ पे लोग नहीं दिखाते यहाँ बहुत प्यार से बात करते हैं अब बहुत प्यारे लोग भी होते हैं यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ जैसे मैं बस में बैठता हूँ ना तो बस का जो जो ड्राइवर होगा वो लिटरली हर बंदे को हाय हेलो थैंक यू ये ज़रूर बोलेगा जैसे हम घुसेंगे बोलेगा हाय फिर तो उसके बाद हम अपना कार्ड आ, उसमें स्वाइप स्वाइप का ना टाप करते हैं तो उसमें थैंक यू बोलेगा हर एक लिटरली हर बंदे को कितने बंदे बैठते हैं बीस पच्चीस तीस तीस लोग बैठते हैं हर बंदे को बोलते हैं यहाँ पर इतना मतलब अच्छा सिस्टम है और बहुत प्यार से थैंक यू सॉरी यहाँ बहुत चलता है बहुत ज़्यादा आपको कोई हेल्प चाहिए नॉर्मली कोई भी हेल्प कर देगा नॉर्मली गुस्सा कम करते हैं हमारे जैसे लोग जल्दी चिड़के मतलब इरीटेट हो जाते हैं थोड़ा कम होते हैं सह सहने की शक्ति यहाँ पे लोगों में थोड़ी ज़्यादा है ये चीज़ है चिड़ते भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो मेरे मकान वाले को बता रहे थे कि वो अंदर से चाहे बहुत चिड़े हुए होंगे पर बाहर से अच्छा दिखाते हैं चलिए अच्छा पॉइंट है हेल्प भी कर देते थे जल्दी और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आप महंगी महंगी चीज़ें बहुत आराम से खरीद सकते हैं अब आपने देखा होगा लोग यहाँ आते ही साथ आईफोन ले लेते हैं मस्टैंग खरीद लेते हैं ये कार ले ली वो कार ले ली मतलब आते ही साथ अपनी जी से निकाल दिया अब यहाँ दो चीज़ों की वजह से ऐसा है कि यहाँ पे आप एक तो आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा होगी इंडिया के मुकाबले और यहाँ पे चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में थोड़ा टैक्स कम लगता है जैसे इंडिया में टैक्स लग के बहुत महंगी हो जाती हैं यहाँ पे बहुत कम मिलता है और इसके अलावा यहाँ पे ऑफर्स इतने भयंकर चलते हैं ना जैसे मैंने एक जैकेट ली थी जो मैंने आप जो आजकल आप देखते हो वो कितने डॉलर की थे वो अराउंड फिफ्टी फाइव डॉलर के आसपास की थी उसका ओरिजिनल रेट बताऊँ कितना था उसका टू हंड्रेड डॉलर्स था पर उस समय ऑफ़र चल रहा था सोचो मुझे फिफ्टी फाइव डॉलर्स की पड़ गई मतलब इतने भयंकर ऑफर चलते हैं अब आपको यहाँ फ़ोन मुझे एक्जैक्टली नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ मैंने सुना है ऐसा मैंने एक्जैक्टली exactly रिसर्च नहीं करी थी जैसे अगर आप सिम लेने जाओगे ना इतने अच्छे ऑफर्स हैं आप सिम लेने घुस हो गए और आपको इतना अच्छा ऑफर देंगे आप पूरा आईफोन उठा के ले आओगे इतने अच्छे ऑफर्स आपको बोलेंगे आप सिम ले लो फ़ोन भी ले लो सिम के साथ उसके बाद आप कोई नहीं छोटी 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 किस्तें मतलब बना के दे देंगे और वो पे करते रहना और उसमें मतलब काफ़ी अच्छे ऑफर्स दिखा देंगे ये कर देंगे पर लॉन्ग टर्म में ना मतलब बुरे होते हैं वो पर जैसे ऑफ़र्स यहाँ काफ़ी अच्छे देते हैं इंडिया में ऐसे नहीं कर सकते इंडिया वाले बंदों को तो मतलब बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ होती है पर यही इसका मतलब बैड पॉइंट भी है इंडिया में चीज़ों की मतलब थोड़ी कदर होती है कि मतलब एक मतलब जैसे किसी पे आईफोन है तो मतलब वो भयंकर स्टैंडर्ड होगा यहाँ नॉर्मल हर बंदे पे आईफोन है किसी पे जैसे हमारे यहाँ मस्टैंग है मस्टैंग हमारे यहाँ इंडिया में कितने की मिलती है सत्तर अस्सी अस्सी लाख तक की मिल जाती है यहाँ पे यहाँ पे तीस तीस पैंतीस लाख की मिल जाएगी आराम से तो सोचो मतलब यहाँ पे इतना मतलब केयर नहीं करते इतना मतलब शौक़ होता है लोगों को पर इतना केयर नहीं करी जाती जो कि नॉर्मल होती है सब चीज़ें हमारे यहाँ मतलब सुपर कार्स चलती रहेंगी इतनी गंदी मिट्टी लगी हुई जैसे हमारे इंडिया में कोई कार चलेगी तो उस पर अलग ही शाइन होगी यहाँ पर धूल मिट्टी सब लगी होगी बर्फ़ की वजह से थोड़ा मौसम भी ऐसी है पर यहाँ सब नॉर्मल नॉर्मली लगता है मतलब कोई मतलब हमारे यहाँ नॉर्मल कोई फॉर्चूनर भी ले जाए तो मतलब अलग लुक देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल है इतना कोई खास मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई कारूँ ना इंडिया में लूँ इंडिया में मतलब लोग देखते हैं यहाँ कोई नहीं देखेगा और तीसरा पॉइंट है लड़कियाँ <laughs> मैं कनाडा आ रहा था पता नहीं क्यों मेरे दोस्त बोल रहे भाई रशियन भाई रशियन मैंने बोला भाई कनाडा जा रहा है मैं रशियन रशिया थोड़ी जा रहा तो ऐसे ही यहाँ पर भी हर वैरायटी मिलती है पर इंडिया जितना अच्छा यहाँ लड़कियाँ नहीं है यहाँ पे सुंदर नहीं है मतलब सुंदर है पर मतलब जितनी परफेक्ट लड़कियाँ जितना जितना मतलब जितना मतलब क्या बोलते हैं उसे, जितने हर कल्चर की लड़की मिलेगी आपको यहाँ पे यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे आपको कोरियन मिलेगी इजिप्शियन मिल जाएंगी आपको रशियन मिल जाएगी कैनेडियन मिल जाएंगी, अमेरिकन वगैरह सब मिलेंगे, पर मतलब इतने अच्छे नहीं होते पता है जैसे हम टी में देखते दूर से अच्छे लगते हैं अगर आप उनके क्लोज से देखोगे ना एक तो वाइट होता है चेहरा व्हाइट के बाद जब मतलब गंदा नहीं हो जाता मतलब येलो येलो सा होता है मतलब हल्का येलो इशपन होता है उनके चेहरे मैंने जैसे ध्यान से देखा ना और काफी दाग होते हैं अब ऐसा नहीं बोल रहा सुंदर नहीं तो काफी होती काफ़ी सारी सुंदर होती हैं पर मैक्सिमम जो दिखती इतनी अच्छी नहीं लगती इतनी अच्छी मुझे तो नहीं लगती पर्सनली इंडिया में ज्यादा अच्छी है इसलिए जो मुझे बोलते हैं ना रशियन रशियन या कैनेडियन भाई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ इंडिया वाली ज़्यादा अच्छी होती हैं तो ये आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कल्चर है यहाँ पे लोग बहुत मेहनती हैं काम करने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ यहाँ कोई बंदा को खाली नहीं दिखेगा कोई भी बंदा जैसे हमारे इंडिया में लोग गेड़ियाँ मार रहे घूम रहे फिर रैश कर रहे हम शाम में शाम को निकल जाता था पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता था यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे हर बंदा मेहनत करता है और यहाँ मैंने ऐसा देखा है यहाँ पे काफ़ी कम बंदे हैं जो मतलब फाइनेंशियली मतलब काफ़ी बुरे होंगे मतलब हाँ वो अलग बात है वो लोग लोन लेके परेशान हैं या कोई इन्होंने महंगी चीज़ खरीद ला नहीं मतलब दी जा रही उसके अलावा यहाँ पे लोग मतलब अगर आपकी नॉर्मल एक ठीक ठीक नॉर्मल जॉब है फुल टाइम तो आप यहाँ मतलब खुश रहोगे अपने पैसों से इतना है अगर मतलब जिसकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छा ही नहीं है हमारे इंडिया में ये होता था कि मतलब बाईस uh, तेईस साल तक के मतलब लड़के कोई काम नहीं करते थे लड़के लड़कियाँ कोई मतलब बाहर काम नहीं करते पैसे नहीं कमाते थे पर यहाँ पे हर बच्चा बच्चा पैसे कमाता है मतलब शॉप में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई भी करते हैं साथ में साथ साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी करते हैं और ये काफ़ी अच्छा अच्छी चीज है ताकि उन्हें पैसों को हैंडल करना आ जाए हमारे मतलब हमारे इंडिया में लोग मतलब बच्चों को हाथ में पैसे ही तब मिलते थे मतलब अच्छे पैसे मतलब दस बीस सौ दो सौ हज़ार रुपये तो मिल जाते थे पर मतलब एक मतलब मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता कि खुद पैसे कमा के खुद कैसे संभाले अब उन्हें सीधा जैसे मतलब वो पच्चीस साल के हुए मतलब तीन साल का कोर्स किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसके बाद फिर जब एक साथ एकदम से पैसे आने लग जाते थे तो बच्चा मतलब वो हैंडल नहीं कर पाता था एकदम से इतने पैसे तो अब यहाँ पे जैसे धीरे धीरे हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं हम उसके बाद फिर हमें थोड़ा एक पैसे को हैंडल करना आ जाएगा आ, मुझे तो जब मैं अट्ठारह साल का था मुझे बैंक में जाके ही नहीं पता था कि क्या कैसे क्या, क्या चीज़ कैसे करते हैं अब मैं यहाँ आ रहा था मेरे को पता मेरे को काफ़ी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का हो गया पहले मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस भी बहुत जल्दी बूस्ट होता है क्योंकि हम यहाँ लोगों से बात करना मतलब बात करना ज़रूरी हो जाता है लोगों से क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूँगा तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा अब इंडिया में ये है कि घर वाले हैं सब संभाल लेंगे पैसे दे रहे खाना खिला रहे हमें मतलब कम्फर्ट जोन में रहते हैं बस ये है तो अब ये पॉइंट शायद किसी को बुरा लग सकता है शायद ना लगे आ, पर ऐसा मेरा मानना है पर्सनली ऐसा मानना है कि यहाँ पे कनाडा में सक्सेस होने के चांसेस थोड़े इंडिया से ज़्यादा हैं अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मतलब मतलब जैसे हमारे इंडियंस का इंडियंस का सक्सेस होने के मतलब चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं अब ऐसा है, इसलिए है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं माँ बाप वगैरह के पास वहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं अब हमें कंफर्ट जोन से खुद निकल के वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया में पर यहाँ पे ऐसा है अगर हमें ऑटोमेटिकली ना हम यहाँ पे बहुत बुरी बुरी सिचुएशन में खुद ही फंसते जाएंगे और अगर हम उसके मेहनत नहीं करेंगे ना तो हम मतलब कुछ नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें इंडिया में खुद मतलब आ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और हम यहाँ आके कंफर्ट जोन में मतलब बैठ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे हमारे हमारे लिए मुसीबत पहले से रेडी होंगी हमें यहाँ हमें हम पे ऑप्शन होगा हम पे इंडिया में ऑप्शन होगा कि हम मेहनत करें ना करें पर यहाँ पे हम पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी ये ये चीज़ है तो जैसे हम मेहनत करने के फिर आदत डल जाती है हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे हम थोड़े चांस थोड़े चांस बढ़ जाते हैं अब ऐसा नहीं है अब जिसको कुछ करना होता है लाइफ में इंडिया में भी कर लेते हैं अब जिसको यहाँ नहीं करना होता यहाँ भी सब डुबा देते हैं अब तक तो मैंने कुछ करा नहीं पर हाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मतलब कंफर्ट जोन में आप बैठ नहीं पाओगे पहले से मुसीबत तैयार रहेंगी बहुत सारी तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे यहाँ पे आप आ, कोई भी काम करो यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ की आप यहाँ झाड़ू पोछा मारो बर्तन धुलो या कुछ भी करो यहाँ पे आपको कोई कभी जज नहीं करेगा आपकी सेम उतनी रिस्पेक्ट होगी जितना एक ऑफिस में बैठे हुए बंदे की रिस्पेक्ट करेगा कोई भी बंदा तो पर इंडिया में जैसे आप झाड़ू मारो पोछा मारो किसी के दूसरे के घर में ऐसे कोई काम करो छोटा मोटा से कोई काम करो तो काफ़ी जज करते है देखता है अच्छा ये काम करता है इतना पढ़ लिख लिया इसने ये काम कर रहा है पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ये और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसके बाद का जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है मुझे यहाँ का वो नैक्स पॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स बहुत होती हैं आप मान के चलो जिस एरिया में मैं रहता हूँ हाईवेज़ को छोड़ के अगर आप नॉर्मली लोकल चला रहे हो तो आप तीन से चार मिनट लगातार गाड़ी खुला नहीं चला सकते आपको रेड लाइट या मतलब आपको ट्रैफिक लाइट दिखेगी दिखेगी और आपको वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा हर मतलब कितने मतलब हर हर किलोमीटर में मतलब एक रेड लाइट मिलेगी हर किलोमीटर में एक रेड लाइट इतना गंदा लगता है ना ये कि मतलब इतना रुक रुक के गाड़ी चलती है ना यहाँ पे अगर आपको जैसे इंडिया में हमें कितना मतलब हमें कहीं आधे घंटे दूर जाना है यहाँ पे वही आधा घंटा ना चालीस मिनट लग जाएगा चालीस मिनट चालीस पचास मिनट बहुत आराम से लग जाएगा सच्ची में मजाक नहीं कर रहा पर यहाँ रेड लाइट इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा है यहाँ चौक हमारे यहाँ जैसे चौक के अलग नाम होते थे ना कि ये गोरखपुर चौक है ये वो चौक है यहाँ पे चौक के नाम कैसे होंगे यहाँ हर एक किलो हर किलोमीटर में एक चौक है हर किलोमीटर में चौक है किलोमीटर भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ सच में यहाँ पे मतलब बहुत वो है बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स हैं यहाँ गाड़ी रंग से चली नहीं पाती यहाँ गाड़ी की स्पीड ही नहीं खुल पाती हाईवेज वगैरह पे चलती है थोड़ी बहुत पर यहाँ जैसे नॉर्मली लोकल नहीं चल सकती यहाँ बहुत ट्रैफिक लाइट है और यहाँ मतलब रूल्स भी नहीं तोड़ सकते यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हैं आपके पास टिकट आ जाएगा हमारे जैसे बोलते हैं चलान कर जाते हैं यहाँ बोलते हैं टिकट आ जाएगा ऑनलाइन भिजवा देंगे पुलिस वाले रोक लेंगे आपको तो यहाँ पर ये यह सिस्टम ख़राब है थोड़ा यहाँ मतलब खुला मतलब रिलैक्स होकर नहीं चला सकते यहाँ बार बार रुकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा तो नेक्स्ट पॉइंट है जो इंडिया में पेमेंट का सिस्टम है वो बहुत इजी है कनाडा के मुकाबले अब ऐसे कैसे हमारे गूगल पे होता है पेटीएम होता है यहाँ पे कुछ नहीं होता है यहाँ सिर्फ कार्ड चलते हैं सॉरी <coughs> यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलते हैं डेबिट कार्ड चलते हैं कौन कौन से कार्ड चलते हैं अलग अलग पता नहीं कितने कार्ड होते हैं यहाँ पे और इंडिया में क्या है इंडिया में नॉर्मल आप फोन दो मिनट लगते हैं कि पेमेंट करने में बार स्कैन कर दो पेमेंट होगी अब यहाँ पे कैश भी नहीं लेते यहाँ पे जैसे मैं मतलब उसमें गया था मैं जिम में गया था आ, वो अपना मेम्बरशिप लेने वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ डेबिट कार्ड भी चलेगा हमारा क्रेडिट कार्ड ही चलेगा मेरे लिए क्या बात हुई और मैं जैसे अपने कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ काफ़ी सारी जगह कैश एक्सेप्ट नहीं करते कॉलेज की बात नहीं बता रहा मैं काफ़ी सारी जगह सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट होती है अब मेरे को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि मैं तो कैश लेके आ रखा था कार्ड मेरा कार्ड चल नहीं रहा एक है दूसरे में पैसे नहीं है तो मतलब मैं फंस रखा तो फिर मैं कैश ही यूज़ कर सकता और कैश कर सके चलता नहीं कॉलेज में जैसे भूख लग रही है कुछ भी है मेरे पे कार्ड में पैसे पड़े नहीं है तो कुछ भी लेना है पीने के लिए प्यास लग रही तो मतलब मैं नहीं ले पाता मतलब तो यही प्रॉब्लम मुझे थोड़ी लगी यहाँ पे मतलब कैश भी थोड़ा होना चाहिए कैश को भी थोड़ी वैल्यू देनी चाहिए या कैश की कोई वैल्यू नहीं होती इतनी ज़्यादा इंडिया में तो मतलब कैश खुलने में चलता है कैश मतलब ज़्यादातर कैश, कैश को ही प्रेफरेंस दी जाती है मतलब ऑनलाइन मनी को मतलब थोड़ा अच्छा नहीं मानते मतलब अच्छा भी क्या पर इतना वो नहीं मानते कि मतलब कैश ज़्यादा अच्छा है हमारे आदमी ये है तो नेक्स्ट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी सारे मतलब कैडेन लोग समझ सकते हैं मतलब जो रह रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे थोड़े दिमाग से थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लोग थोड़े ज़्यादा हैं पागल लोग थोड़े ज़्यादा हैं इंडिया के मुकाबले इंडिया में कोई मतलब हमारे प्रेम नगर में तो सिर्फ एक रूबी था जो चलता था मतलब जिसका नाम था मतलब आ, रूबी के अलावा तो ऐसा एक दो और थे पर यहाँ पे आपको हर मतलब हर दस में से नहीं जाते बोल गया मतलब हर मतलब मतलब आपको यहाँ बहुत पागल लोग दिखेंगे आप कैसे कैसे बताऊँगा एग्जैक्टली exactly, वो भी नहीं बता सकता नंबर्स में पर मतलब बहुत पागल लोग देंगे मैं बस में बैठता हूँ बंदा अपने आप से बात कर रहा होगा थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा होगा बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहा होगा खुद से चिल्ला रहा होगा मतलब सरसरीद आ रहा होगा खुद ही मैं पता नहीं बड़बड़ बड़ कर रहा होगा रोड पे खड़ा रोड पे खड़ा होगा चिल्लाएंगे लोग मतलब बहुत और अजीब बिहेव करेंगे बहुत ज़्यादा नाचेंगे गाएंगे और नाचेंगे गाएंगे और यहाँ पर मैंने देखा मतलब यहाँ लोग थोड़ी शर्म भी नहीं करते कि मतलब अजीब ही हरकतें करने लग जाएंगे कुछ भी मतलब लोगों को इतना ध्यान नहीं देते बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग हैं और हाँ मतलब जैसे बोल रहा कि पागल लोग थोड़े मतलब डिस्टर्ब लोग रहते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और पता नहीं यहाँ पे प्रेशर काम का ज़्यादा है कि इस वजह से मेरी एक दोस्त बनी वो बता रही थी कि यहाँ पे थोड़ा नशा वगैरह थोड़ा ज़्यादा चलता है तो शायद इस वजह से वो मेरे को पता नहीं पर शायद हाँ नशा वगैरह भी काफ़ी चलते हैं हाँ मतलब एट्टी परसेंट टी मतलब सिगरेट सिगरेट वगैरह तो बहुत नॉर्मल है यहाँ पे मैं मतलब अपने कॉलेज जाता हूँ ना तो यहाँ वहाँ लाइब्रेरी के बाहर फूक होते हैं सब सिगरेट दारू वगैरह बहुत बहुत नॉर्मल जैसे नॉर्मल हम खाना खाते हैं उनके लिए सिगरेट दारू है वहाँ पे अब मुझे और गांजा वगैरह का तो नहीं पता पर यहाँ इतना नॉर्मल है मतलब मैंने सुना है यहाँ ये यह सब मतलब बड़े बड़े नशे मतलब जैसे हमारे इंडिया में इलीगल थे यहाँ पे लीगल हैं मैंने सुना है अब मैंने इतना देखा नहीं है पर लीगल है मतलब मेरे हिसाब से हाँ मैं बैठे मतलब मैं खड़े खड़े थक गया था अब बैठ के मैं तो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया के घर यहाँ पे मेरे एरिया में ज़्यादातर मतलब मैं इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा मैंने पर यहाँ पे नॉर्मल हर घर एक जैसा होता है मतलब साइज़ में बाहर से एक जैसा ही दिखेगा लगातार मतलब काफ़ी सारे घर यहाँ पे छत नहीं होती इंडिया में छत वगैरह भी होती है और यहाँ घर मतलब जो महंगे महंगे घर नहीं मतलब जो नॉर्मल नौ, मतलब जो एवरेज बंदा रहता है वो लकड़ी के घर में ही रहता है अब दिखाओ मैं <laughs> यहाँ देखो ये यह ये छत है ये देखो ये छत ऐसी है ये पूरा गत, मतलब गत्ते कार्डबोर्ड लकड़ी का बन रखा और किसी मतलब लकड़ी का ही बन रखा है ज्यादातर ये ये पूरा लकड़ी है तो मतलब यहाँ आग लगने का काफ़ी खतरा रहता है यहाँ मतलब हर मतलब घर में मतलब वो अलार्म लगा होते हैं कि अगर धुआं हो जाए थोड़ा तो अलार्म बचने लग जाते हैं ऐसा है अब इंडिया के अगर ईंट ईंट से बनते थे सीमेंट से बनते थे यहाँ ऐसी लकड़ी से बन रहते हैं तो मतलब इतने मज़बूत नहीं होते इंडिया के अगर थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं अब इंडिया में ऐसा होता है कोई अगर मतलब जिसपे जितना पैसा है वो वैसा घर बनाएगा मतलब कोई बहुत बड़ा घर बना लेगा कोई थोड़ा छोटा बनाएगा कोई मतलब बहुत आलीशान बना लेगा यहाँ पे मतलब पूरी कॉलोनी एक ही घर है एक ही घर मतलब पता भी नहीं अगर किसी के पास नंबर ना हो ना घर का मतलब कि जैसे यहाँ नंबर्स होते हैं घर को नंबर दिए जाते हैं इंडिया में भी दिए जाते हैं पर यहाँ पे जैसे काफ़ी चलते हैं नंबर से याद रखा जाता है घर को तो अगर नंबर ना होना कोई बंदा घर नहीं पहचान सकता मतलब इतना मुश्किल होता है मैं जब पहले आया था मैं घर के पास में खड़ा हुआ और मैं देखकर घर का है पर नंबर नुम, पता होना चाहिए मतलब यहाँ पे तो बस यही थे पॉइंट्स अगर आपको इसका पार्ट टू होगा तो प्लीज़ डू कमेंट और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइज प्लीज थोड़ी मतलब सपोर्ट दिखाओ हाँ मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं सच में बिजी था और मेरे पे मतलब बाहर कुछ ऐसा खास दिखाने को था नहीं वही रेगुलर वही चल रहा था कॉलेज वगैरह तो अब क्या दिखाओ आप लोग बोल जाओगे तो मैंने सोचा अब ऐसे टॉपिक्स ढूंढूंगा मैं और उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा ठीक है तो चलिए फिर चलते हैं बाय बाय गुड नाइट टेक केयर